ही चुका। महागठबंधन के नेता जो भी है सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और मनमर्जी कर रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि टूट गया और टूट रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग अपने मनमर्जी को खत्म करें तो इसका स्वरूप अलग हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह गया है, पूरी तरह बिखर गया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है। कांग्रेस को लेकर यह कयास है कि वो महागठबंधन को छोड़ेगी, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव में वो दावेदारी जता रही थी उन सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। किशनगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है जरूर, लेकिन नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी जताई थी उस पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी नाराज हैं नाथनगर सीट को लेकर, वो दावेदारी जता चुके हैं नाथनगर सीट पर, जबकि आरजेडी ने वहां से राबिया खातून को उम्मीदवार बना दिया है। तो जीतनराम मांझी और आरजेडी के बीच पहले से वार पलटवार की लड़ाई चल रही है। दानिश रिजवान जो हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो हमलावर हैं आरजेडी पर। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने जीतनराम मांझी के खिलाफ बयान दिया है। तो पहले से आरजेडी और हम के बीच लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के बारे में ये कयास है कि नाराजगी बढ़ गई है कांग्रेस की, और वो भी महागठबंधन से अलग हो सकती है। और अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, और वो विधानसभा की उपचुनाव, विधानसभा में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। आज जो हमारे संतोष कुशवाहा जी जो हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, वो आज हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान की लिए हैं, सदस्यता लिए हैं। और आज हमारे विकासशील इंसान पार्टी एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो ऑनलाइन बैठे हुए पूरे देश के, देश से बाहर के लोग भी हमारे पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, पार्टी के ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं। और ये हमारे आज मुख्य कार्यक्रम था। और सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव में हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी अपनी कैंडिडेट को नाम का घोषणा कल तक करेंगे। 28 तारीख को हमारी पार्टी की ओर से वहां पे नामांकन कराया जाएगा, और वहां पे कैंडिडेट को हम लोग मदद करेंगे। महागठबंधन की तरफ से, हमारी अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी को घोषणा करेंगे। सर, खबरें आ रही है कि महागठबंधन अब टूट चुकी है, माने तो इस पर क्या करना चाहते हैं सर? महागठबंधन टूट नहीं चुका, महागठबंधन के नेता जो भी है सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और मनमर्जी कर रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि टूट गया और टूट रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग अपने मनमर्जी को खत्म करें तो इसका स्वरूप अलग हो सकता है। तो वीआईपी पार्टी आगे क्या सोचे हैं? हमारी 2020 के लिए तैयारी तो होगा ही, अभी उपचुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और एक सीट पर हम लड़ेंगे, बाकी सीट पर हम महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस हुआ, मांझी जी हुआ, या आरजेडी हो, वहाँ पे जहाँ पे उनके एक सीट होगा वहाँ पे हम उनको मदद करेंगे। आरजेडी में क्या मांग कर रही है कांग्रेस? 19 सीट की मांग कर रही है, वही राजनीति कांग्रेस का एक दो सीट का अधिकार बनता है, एक किशनगंज और एक समस्तीपुर, दो सीट उनका अधिकार बनता है। तीसरा पे अगर वो दावा ठोकते तो वो गलत है। वीआईपी पार्टी का भी एक सीट बनता है, मांझी जी का एक सीट बनता है, उपेंद्र जी का एक सीट बनता है, आरजेडी का एक सीट बनता है। ये एक सीट पे लोग लड़ेंगे जो भी, तो उनको हम लोग मदद करेंगे। एक सीट के अलावा अगर अतिरिक्त सीट पे अगर मदद लड़ते हैं तो उस सीट पे हम मदद नहीं करेंगे, वहाँ पे हम अपने सहयोगी दल को मदद करेंगे। हम पार्टी के भी तो कह रहे हैं कि नाथनगर और किशनगंज से वो दो सीट पे उन्हें, हाँ तो हम उनको नाथनगर पे मदद करेंगे, क्योंकि वो नाथनगर उनका हो सकता है, किशनगंज पे हम कांग्रेस को मदद करेंगे। तो लड़े, मना किसने किया, उनका भी इच्छा अगर है तो लड़ लेवे, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। बाकी लड़ने के लिए तो स्वतंत्र है सब पार्टी, ऐसे वीआईपी भी स्वतंत्र है 6 जगह लड़ने का, मांझी जी भी स्वतंत्र है, आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है, तो फिर लड़ ले, गठबंधन खत्म कर लेगा। और गठबंधन रखना है तो गठबंधन के दायरे में रहकर लड़ना पड़ेगा, सबको हिस्सा देना पड़ेगा, सबके लिए सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने लिए सोचेगा तो फिर तो गठबंधन तो बाहर हो जाए। महागठबंधन हम एक ही सीट पर लड़ेंगे, एक ही सीट पर लड़ेंगे, हम चाहेंगे कि गठबंधन रहे, और गठबंधन जो लोग गलत करे वो सही हो जाए। अगला मुख्यमंत्री कौन हो क्या लगता है? अरे वो बहुत टाइम है उसके लिए तो। मुकेश सहनी की नाराजगी, मुकेश सहनी का महागठबंधन से अलग हटना इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव का बेहद करीबी नेताओं में से माना जाता है। मुकेश सहनी अक्सर तेजस्वी यादव के साथ नजर आते थे, ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सहयोगियों में से हैं, करीबी नेताओं में से एक है मुकेश सहनी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीतनराम मांझी के बाद कांग्रेस के बाद मुकेश सहनी ने भी अपनी नाराजगी जताई है।
बिहार में 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आरजेडी ने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, 3 सीटों से 1 सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान बहुत जल्द करने वाली है, ऐसी खबर है। इससे महागठबंधन के सहयोगी दल नाराज हो गए हैं और अब मुकेश सहनी ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है, ये खबर आ रही है हमारे पास। और उसके उपचुनाव में अपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मुकेश सहनी उतारने जा रहे हैं। जाहिर है जब कांग्रेस नाराज है, जीतन राम मांझी और आरजेडी के बीच वार और पलटवार चल रहा है, मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ने जा रहे हैं, यानी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि महागठबंधन का कुनबा बिखर गया है और इस उपचुनाव ने महागठबंधन की सेहत को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तास की पत्तों की तरह ढह गया है महागठबंधन का राजनीतिक कुनबा बिहार में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।